हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम प्रिपेयर करेंगे एक मिक्सर ग्राइंडर की मोटर, जिसकी हमने ये देखिए कॉयल जो है न्यू वाइंड की है, बिल्कुल नई वाइंड की हुई है, लेकिन ये मोटर जो है अभी चल नहीं रही, इसमें दिक्कत है। अभी भी इसके एम्पेयर ज़्यादा है, इसका आर्मेचर ख़राब है। जी, हमारे पास एक आर्मेचर है, ये देखिए मिक्सर ग्राइंडर का, ये है 1.5 MS। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसका जो आर्मेचर है ख़राब है, जबकि फिर से हमने नई वाइंड की है, मिक्सर की मोटर भी चल रही है, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी जो आर्मेचर है ख़राब है। इसको फाइंड करने का एक सिंपल वे है, आज हम इसको फाइंड करेंगे। फाइंड करने के लिए हमें ज़रूरत होगी एक छोटे से एम्पेयर मीटर की। अगर आपके पास एम्पेयर मीटर नहीं है तो आप ये क्लंप मीटर भी यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड फ्रेंड्स हैं, उनके पास एम्पेयर मीटर तो होता ही है। अगर नहीं है क्लंप मीटर तो मोस्टली लोगों के पास होता है। तो आज हम फाइंड करेंगे इसके एम्पेयर। एम्पेयर फाइंड करने के लिए हमें ये एम्पेयर पर मीटर को सेट करना पड़ेगा। 200 पर कर लीजिए अप्रॉक्सीमेट, इससे ज़्यादा एम्पेयर इसके नहीं होते। 4 या 5 एम्पेयर ले रहा होगा अगर इसके आर्मेचर की वाइंडिंग ख़राब है, और अगर जब वाइंडिंग इसकी ठीक होती है आर्मेचर की, तब ये 1 से 1.5 एम्पेयर लेता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये क्लंप मीटर को हम रखते हैं साइड पे। ये हमारा क्लंप मीटर, ये हम करते हैं इससे कनेक्ट, और ये है हमारी दूसरी वायर। अभी आप जहाँ पर गौर देना, सारा फंडा यहीं से स्टार्ट होगा। ये मैंने क्लंप मीटर को लगा दिया ऐसे, ये मैं लगा रहा हूँ पहले सीरीज, डेट्स ओके। अभी डायरेक्ट लगा रहा हूँ, आप चेक करना जहाँ पर कितने एम्पेयर ले रहा। ये देखिए, ये ले रहा है अप्रोक्सीमेट 1.5 एम्पेयर, जबकि इसको 1 एम्पेयर से भी कम लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये हीट भी हो रहा है साथ में, इसकी फील्ड बहुत हीट होगी। तो अभी स्टार्ट करते हैं, इसको करते हैं बंद, इसको रखते हैं साइड पे। ये है हमारा आर्मेचर, थोड़ा जूम कर देता हूँ। इसको हम यहाँ से खोलेंगे। ये हमारा ऊपर वाला ढक्कन, इसको करते हैं रिमूव, ये अभी भी काफी हीट हुआ है। ये आ गया हमारा आर्मेचर, ये देखिए, ये है इसका आर्मेचर। आर्मेचर में क्या होता है, ये होता है कम्यूटेटर, और जहां होती है इसकी वाइंडिंग। ये जो इसकी वाइंडिंग है, ये देखिए, जहां से वायर के जरिए जहां से कनेक्ट हुई है, जहां पर पंच करके जहां जॉइंट इसका लग जाता है, जो कम्यूटेटर ख़राब हो जाए ये भी चेंज कर देते हैं। लेकिन पहले ये होते थे, आजकल ये सारा काम मशीन से होता है। अभी कोई भी हाथ से इसको वाइंड नहीं करता, पहले हाथ से वाइंड होता था, और हाथ से वाइंड करके पहले इसको हीट देते थे, हीट देने के बाद फिर इसको वार्निश करते थे, फिर ये चलता था, फिर इसका बैलेंस बनाना पड़ता था, जो कि ईजिली नहीं बनता। ये देखिए, ये सब मशीनी काम है, और इसी तरह इसका बैलेंस ये बनाया हुआ है। ये देखिए, जहाँ पर MCL लगा के इसका बैलेंस बनाया जाता है। तो ये है आर्मेचर का फंडा। अभी ये हमारा रहा नया आर्मेचर, इसको करते हैं ओपन, देखते हैं क्या है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा नया वाला आर्मेचर, और ये है हमारा पुराना वाला आर्मेचर। ये देखिए, सेम, ये देखिए बैलेंस बना हुआ है। ये कम्यूटेटर है, ये छावट थोड़ी साफ करनी पड़ेगी। ये इसकी है चूड़ी,
ये MS का आर्मेचर है, जो GMG का होता है, जूसर मिक्सर ग्राइंडर का, जहाँ पर लॉक का कट बना होता है और उसकी छापट थोड़ी सी इससे लॉन्ग होती है। तो चलिए करते हैं इसको स्टार्ट डालना। थोड़ी सी जहाँ पर ऑयलिंग दे देंगे, कार्बन इसके निकाल लेते हैं, बाद में डाल लेंगे। इसको फिट करेंगे इस तरह से। फिट करते समय ध्यान रखना चाहिए ये कम्यूटेटर जो है इसके इक्वल होना चाहिए, आगे नहीं होना चाहिए, और साथ में ये फैन का भी ध्यान रखना है, फैन ये कॉइल से आपका टच नहीं होना चाहिए, इसके बीच में ये देखिए गैप होना चाहिए। बुश को देते हैं थोड़ा सा ऑयल, इसको करो ऑयल, इसको इस तरह से लगा देंगे। थोड़ी सी वाशलें कम कर देते हैं। एक वाशल और डल जाएगा। वाशल को आप प्लेट के हिसाब से चेक कर लें, उसी हिसाब से आप जो वाशल है वो डाल दें। इस तरह से दोनों स्क्रू जो है टाइट कर देना इक्वली, दोनों बराबर ही टाइट करना है। एक ही चोट लगने से बिल्कुल सही हो गया, पड़ी एक लेकिन वो भी काम की, और उसी से ये मोटर होगी बिल्कुल फ्री। तो अगला काम हमें करना है इसके कार्बन डालने हैं। कार्बन डालने के बाद कार्बन ब्रशेस को हम सेट करेंगे।
ये हो गया हमारा कार्बन इधर का। ऐसे ही दूसरा कार्बन ब्रश साफ कर लेते हैं, उसको डालते हैं। तो चलिए हमारा काम हो गया बिल्कुल सही। अभी देखते हैं इसको चला के क्या है इसका फंडा। पहले सैंपल चेक कर लेते हैं, बाद में इसको अच्छी तरह से लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स चला के करते हैं इसको चेक, थोड़ा सा इससे लेते हैं पकड़। जस्ट वेट ऑन, चली है लेकिन उल्टी घूम रही है मोटर जो, हमने इसको उल्ट साइड को घुमाना है। तो इसकी करते हैं रोटेशन चेंज। रोटेशन चेंज करने के लिए हमें कार्बन की जो वायर है इधर वाली इधर लगानी पड़ेगी। सिंपली ये वायर को चेंज कर दीजिए इधर उधर, दूसरी साइड वाली उधर लगा दीजिए, उधर वाली उधर। इससे आपकी जो कॉइल की रोटेशन है वो चेंज हो जाएगी। बिकॉज जो हमारी कैपेसिटर वाली वायर्स मोटर्स होती हैं उनमें तो हम कैपेसिटर की वायर चेंज कर सकते हैं मेन, लेकिन इनमें तो कैपेसिटर होता नहीं, इसलिए बहुत से फ्रेंड्स को कन्फ्यूजन होती है अब इसकी जो रोटेशन है कैसे चेंज होगी। तो ये सिंपल ये कार्बन की वायर इधर वाली इधर लगा देनी, इधर वाली इधर लगा देनी, इससे आपकी रोटेशन जो अभी देखिए चेंज हो जाएगी। ये देखिए इससे मोटर की स्पीड भी बढ़ गई और रोटेशन भी चेंज होगी। बिकॉज अगर ये गलत दिशा में घूमेगी तो इसकी जो स्पीड है वो कम ही रहेगी, आरपीएम इसके पूरे नहीं बनते। तो अभी इसके एम्पेयर करते हैं चेक, अपने किलोमीटर को करते हैं यहाँ पर सेट। और जी देखिए एक बार चेक कर लेंगे किलोमीटर से अभी कितने एम्पेयर है, पहले हमारे 1.4 थे, अभी सिंपल करते हैं चेक। जी आपने जहाँ पर ध्यान रखना है मैं जब मोटर को थोड़ा पकड़ के रखूँगा। देखिए अभी है 0.4, अप्रॉक्सीमेट 1 एम्पेयर से ज़्यादा एम्पेयर जो है कम हो गया। स्टार्टिंग में देखते हैं, ये देखिए 0.3 0.4 एम्पेयर ले रही है। डैट्स हमारी मिक्सी की मोटर बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप अपनी मोटर का जो आर्मेचर जो है इसको कर सकते हैं चेंज, बहुत ही सिंपल वे से, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको जो वीडियो समझ आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको बिल्कुल सही लगा। और
अगर आपको वीडियो बिल्कुल समझ आ गया, बिल्कुल सही लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको इस वीडियो में समझने में कोई भी दिक्कत आई, कोई परेशानी आती है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको क्या परेशानी आई। मैं जितनी भी जल्दी होगा उसका जरूर आंसर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। तो फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक्स।